Let's do this. Continue. Blue, blue, blue. आपको नमस्कार करते हैं और ये दो दिन जो स्वास्थ्य सेंटर की सफाई कर रहे थे, कभी बोले 21 तक खोलें, कभी 28 से खोलेंगे, तो हम पूर्ण रूपे उनको सफाई कर दिए। इससे थके हुए थे, दो दिन छोड़ दिए थे हम। अब जब तक नए खोलते हैं गवर्नमेंट, 28 तक खोलते नहीं खोलते हैं, पढ़ाते रहेंगे अब लगातार, चलो आपको दिक्कत नहीं होगा। और न तो अपलोड नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल से हुआ अपलोड, दिन में अपलोड मुश्किल से हुआ। इससे अब ये पढ़ना ध्यान से, चलो स्टार्ट। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है और यह एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 है और इसका नाम है आलेख। तो आलेख तो हो गया था, अब है वहाँ बचा हुआ का हिसाब था क्या, 3.1 केसी सिन्हा 3.1 में हिसाब बचा हुआ था आपको, 22 बता दिए थे, ओ नहीं 22 ने कोई 21 बताए थे, अब बताते हैं 22 के लिए। जैसे देखिए है 22 में क्या है, जब शुरुआती हो जाओ अब बताते हैं 22 के लिए, सब है ना 22 के लिए, कोई बस कर दियो ना, वो कोई दिक्कत नहीं ना, अथवा ध्यान से पढ़ना या वो अपलोड नहीं हो सकता ही। तो 22 के लिए क्या है थ्योरी, 22 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 केसी सिन्हा का, शिनक है। तो 22 का 22वां सवाल है क्या कि एक एक कौन सा मान के लिए, एक कौन सा मान के लिए, कौन सा मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आप देखिए कोई हल नहीं है तो इसमें क्वेश्चन पहला बता रहे हैं, देखो ax प्लस थ्री वाई बराबर a माइनस दो और 12x प्लस ए वाई, इक्वेशन फर्स्ट है। अब 12x प्लस ए वाई बराबर ए, तो बताए थे एक दिन, बता रहे फिर, तो आज है कोई हल नहीं होगा, यानी विरोधी होगा, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर जीरो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो बताए थे कि कोई हल नहीं होगा, इसका नाम है अविरोधी होने का शर्त, यानी विरोधी होने का शर्त।
होने का शर्त, तो ए बटा डी बराबर बी बटाई बराबर नॉट सी बटा एफ, या क्लास 10 है 3.1 इसी चिन्ह का, ए बटा डी बराबर बी बटाई बराबर नॉट सी बटा एफ बताए थे वो, यानी बराबर होना नहीं चाहिए। अच्छा समझो, जैसे जैसे आपको ऐसे देखिए, 4x प्लस 2y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 10। अब बोलिए इसको इधर लावें या इधर लावें, कोई अंतर पड़ता नहीं है। क्यों? और इधर भी है तो 9 बटा 10, और इधर ला दीजिए तो 4x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0, 8x प्लस 5y माइनस 10 बराबर 0। ये माइनस 9 बटा माइनस 10 ये तो कट गया जाए, तो बात बराबर है इधर लावे या नहीं ना। तो बोलो कि इस ये हो गया फार्मूला हो गया ये कि कोई विरोधी यानी a बटा d बराबर b बटा i बराबर c बटा f, जिसका जैसा रहेगा इसका एक भी हल नहीं होगा। इस प्रकार के समीकरण का निकाम में होता है जोड़ा युग्म। इस प्रकार के समीकरण का हल नहीं होगा, इस प्रकार के समीकरण का हल नहीं होगा। अब देखो ठीक है, इसमें क्या कहता है, एक एक कौन सा मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल, निकाय में क्या युग्म जोड़ा कोई हल नहीं है। यहां से ध्यान पढ़ना, ए एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ए माइनस टू, बार एक्स प्लस ए वाई बराबर ए। आप देखिए हल देखिए दिया है, कोई हल नहीं होगा या कोई हल नहीं है, तो नहीं है तो ए बटा 12 बराबर 3 बटा ए बराबर नॉट ए माइनस 2 बटा ए। जैसे देखिए है ए एक्स बी वाई तो ए का स्थान पर क्या है ए, बी का स्थान पर क्या है 3, सी का स्थान पर है ए माइनस टू या प्लस तो माइनस एक ही बात हो जाता है, और डी का स्थान पर क्या है 12, ई का स्थान पर क्या है ए, और एफ के स्थान पर क्या है ए, तो ए बटा डी ए बटा 12 बराबर 3 बटा ए तो 3 बटा ए, और नोट सी बटा एफ नोट ए माइनस टू बटा ए, ए बटा बारह इसका शर्त होता है ए बटा डी बराबर बी बटा ई नोट सी बटा एफ, ए बटा बारह बराबर 3 बटा ए नोट ए माइनस 2 बटे क्या है ए। अब देखो ये तो बराबर है नहीं, इससे मान नहीं निकलेगा, इससे मान निकल जाएगा तो ए बटा बारह बराबर 3 बटा ए और तिरछा तिरछी गुना ए स्क्वायर बराबर 12 तिया ही 36, ए बराबर 36 ए बराबर अंडर रूट 36 ए बराबर 6 आंसर। ए का मान कितना आ गया 6, ए का मान क्या आ गया 6 आ गया, यानी इससे हिसाब नंबर है आपका ये 22 का पहला है, 22 का पहला सही है। अब फिर समझ लेते आप माने देंगे ए बटा 12 बराबर 3 बटा बराबर नोट ए माइनस 2 बटा ए, इससे मान निकलेगा यानी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो शर्त क्या है ए बटा डी बराबर बी बटा ई नोट सी बटा एफ, तो ए बटा 12 बराबर 3 बटा ए का गुना एक्स का गुणांक ए, एक्स गुणांक 12 वाई गुणांक 3 वाई गुणांक ए नोट ए माइनस 2 बटा ए कट गया, तो इससे हमको मान नहीं निकलेगा ए बटा 12 बराबर ए बटा 3 बटा ए तिरछा तिरछी गुना ए स्क्वायर 36 स्क्वायर तो रूट
ए बराबर क्या आ गया छः, समझ में आया? समझ में आया मैसेज कर, समझ में आया? हाँ दम लगा ना आप, अब आने के लोग कि उस कल वो किया किस के खोलेगा तो पूरा सफाई सफाई के लिए सेंटर सफाई किए, अब जब खोले अब लगाता अब आसाम नहीं रहेंगे, अब कोर्स पढ़ाएंगे खींचेंगे, अब जब खोले अब सफाई कर दिए हैं और जब खोले तब खोल देंगे, ये 28 को 28 खोले 30 को जब खोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आसाम नहीं रहना, अब कोर्स पूरा करना हमको है, पढ़ाते मन से। तो आप देते हिसाब आ सकते हो, देते हिसाब आ दिखाओ, तो देते हिसाब लो, तो आप ले लीजिए इसका, ले लीजिए आप देखिए बना दिखाइएगा, यदि आप इसका 4 है 3a+1x x 3a+1x + 3y - 2 बराबर जो अच्छा है कि -2 इधर कर दिया, ठीक तो है। आ बोलो उसके बाद है a² + 1x a - 2y a - 2, ठीक बैठो आया से बैठिए कोई भी दिक्कत नहीं, a - 2y a - 2y - 5 = 0 देखो अपना जी कब ना करके 3a+1x और 3y - 2 = 0 a² + 1x ये विचार कर मोबाइल बा विचार कर, अच्छा पहले चार्ज कर देते हैं, नहीं तो वो कहते हैं वो देते हैं बहुत चार्ज कराए तो a² + 1x a - 2y मजा नहीं बना जल्दी, ऐसा तो कितना है लाया है एक आएगा, अरे वाह पूरा लगा हुआ, हम ही ऑप्शन कर देते हैं, हम ही ऑप्शन करते हैं, तुम तो पूरा लगा हुआ है जी, और बैठल है सब रे, हम ही गलती करते हैं, हमें आप ऑप्शन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा देखे थे लगातार बना रहा है, देखो पूरा कितना लड़का बना रहा है, ऐसे बना दिया तुरंत जी, वाह हम ही ऑप्शन कर जाते हैं, यही दिक्कत करते हैं, रखते हैं कोई एक हल दिया है, कोई हल आ सुन लो जब पढ़ाबो ना आधा घंटा एक घंटा तो थोड़ा पूछल का वो अब इसमें ख़त्म हो रहा है, तो कल तो लेसन नहीं आए, पूछिए पूरा मन से लगातार पूछिए, जो अभी रुक जो, कोई हल नहीं है तो 3a + 1/2
ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ एक्स का गुणांक थ्री ए प्लस वन गुणांक ए स्क्वायर प्लस वन और तीन बटा ए माइनस टू नॉट। अब देखिए हम देखिए सुनिए, एक स्थान पर क्या है थ्री ए प्लस वन, अब बी का स्थान पर क्या है तीन, और सी का स्थान पर माइनस पांच, माइनस पांच हमारी है, देखें हमारी माइनस पांच है, माइनस पांच बटा वो माइनस दो, ओहो वाह, माइनस दो बटा माइनस पांच, ये जिसको नहीं लेना है इसको लेना है। तो चूंकि थ्री ए प्लस वन बटा ए स्क्वायर प्लस वन बराबर थ्री बटा मरी हल्दी कैसे बना दिए थे तिरछा तिरछी गुना, तो थ्री गुना ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर प्लस तीन, आई गुना कर दो थ्री ए प्लस वन इंटू थ्री ए, ऐसे ऐसे गुना कर दें कोई दिक्कत ना है कि थ्री ए इंटू थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, ए गुना थ्री ए, ए गुना एक ए, तीन दूनी छ, माइनस प्लस माइनस दो और थ्री ए स्क्वायर और प्लस तीन, ए गुना थ्री ए थ्री ए स्क्वायर, ए गुना एक ए, माइनस टू गुना तीन दूनी छ, प्लस माइनस माइनस दू, तीन थ्री ए स्क्वायर प्लस क्या है तीन। तो इससे देखिए क्या, हाँ अच्छा बनाया रे, ए माइनस सिक्स है हाँ राइट, माइनस पाँच है, माइनस दो प्लस माइनस एक नहीं लाया, एक लाया था माइनस एक, हाँ माइनस दो प्लस ए बराबर, बहुत अच्छा ए बराबर तीन दो पाँच बटा माइनस पाँच कट गया माइनस एक, अतः ए बराबर माइनस एक, बहुत अच्छा। अब है देखें तुमको चौबीस, हाँ हाँ ये देखें देखिए पच्चीस, तो पच्चीस क्या है पच्चीस क्या देखो, पच्चीस तो पच्चीस है, पच्चीस नंबर है ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का द्वितीय हल है, ए का मान ज्ञात करें समीकरण निकाय का निकाय का अद्वितीय हल है, तो अब देखें तो अद्वितीय हल इसका शर्त ऐसे बताए थे, ऐसे देखो अद्वितीय हल इसका शर्त बताए थे वैसे, देखें ये था अविरोधी होने का शर्त, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर जीरो की अविरोधी होने का शर्त,
अविरोधी होने का शर्त, अब देखिए तो अविरोधी होने का शर्त में तो ए बटा डी बराबर नॉट बी बटा ई, यानी यार अविरोधी होने का शर्त में ए बटा डी इजकल टू नॉट बी बटा ई, बी बटा ई। अब देखो तो ए बटा डी नॉट बी बटाई है, अब इसी पर इसका और एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा, ना एक और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये बताए थे शुरू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, डी एक्स प्लस सी वाई बराबर जीरो, ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई, एक और केवल एक हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होगा। अब देखिए हैं ए एक्स प्लस टू वाई, पहला हिसाब ए एक्स प्लस टू वाई बराबर पांच, इक्वेशन फर्स्ट, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, समीकरण दो। तब इसमें क्या है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव और थ्री एक्स प्लस वाई इजकल टू वन, तो दिया है अद्वितीय हल है, यहां लिखेंगे इसका हल लिखेंगे, दिया है अद्वितीय हल है ए बटा तीन नॉट इजकल टू दो बटा वन। ओहो देखिए यहां एक गुना है, देखिए एक स्थान पर ए, बी का स्थान पर दो, डी का स्थान पर तीन, ई का स्थान पर वन, यहाँ वन मल्टीप्लाई है वन, ए बटा तीन नॉट इक्वल टू दो बटा एक, तिरछा तिरछी गुना, ए नॉट इक्वल टू तीन दूनी छः, ये सब इसका समझिए अच्छा से, केवल मैंने छः मान के लिए अद्वितीय हल होगा और छ को छोड़कर इसका किसी भी मान के लिए अद्वितीय हल नहीं होगा। कैसे बैठे में जैसे देखिए, देखिए ए बटा तीन बराबर दो बटा एक अब बराबर पाँच बटा एक, अब तुम देखिए एक मान दही छः तो छः बटा तीन बराबर दो बटा एक, तो ये बराबर देखिए छः बटा तीन तो तीन दूनी और दही तीन तीन दूनी छः, अब बोलें तो दो बराबर पाँच बराबर है, देखिए नहीं हल होगा यानी छः को छोड़कर, इसका अर्थ समझो ए नॉट इक्वल टू सिक्स, इसका अर्थ क्या हुआ कि छः को छोड़कर सभी मानों के लिए, छः को छोड़कर सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा लेकिन छः के लिए नहीं, क्यों देखिए छः नहीं तो यहाँ नहीं ए ए बटा तीन दो बटा एक पाँच बटा एक तो दही मान छः तीन दूनी छः तो दो बराबर पाँच, इसमें क्या समझाई ये विरोधी है, इसका हल नहीं होगा। और छः को इसका क्या समझा ए नॉट इक्वल टू छः यानी ए का छः मान नहीं होना चाहिए, छः मान को छोड़ करके सभी मानों के लिए अद्वितीय हल, जैसे देखिए मान दही दे तो यहाँ एक मान दही पाँच दे तो पाँच बटा तीन बराबर दो बटा एक, अब देखिए बराबर है कट गया अद्वितीय हल होगा, दही मान दे कुछ नहीं मान दे नहीं मान दो दे तो दो बटा तीन बराबर दो बटा एक बराबर है नहीं कट गया यानी छ को छोड़कर
इसके सभी मानों के लिए अद्वितीय, लेकिन छह के लिए होगा नहीं, इसका ही अर्थ होगा। एक का मान छह देंगे तो अद्वितीय होगा नहीं, से देखे एज इज टू नोट सिक्स। एक का मान छह को छोड़कर सभी मानों के लिए हल होगा अद्वितीय, लेकिन छह के लिए हल नहीं होगा। छह देंगे मान, देखिए छह देंगे मान, छह बट्टा तीन बराबर दो बट्टा एक, पांच बट्टा एक, तीन दूनी छ, दो बराबर पांच, ये बराबर है नहीं है, बराबर नहीं। इसी ई आंसर एज कल टू क्या है नोट सिक्स, इसका से अर्थ समझाना, एज कल टू नोट सिक्स अर्थ है कि छ को छोड़कर पांच के लिए, तीन के लिए, माइनस एक के लिए, माइनस दो के लिए, सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, लेकिन छ के लिए अद्वितीय हल नहीं होगा। समझ में आ गया? अब हिसाब देते माने के लिए इस पर, चलो तैयार हो जा। और देख देते माने के लिए कौन दिक्कत है? टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई, क्वेश्चन नंबर टेन। थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर चार, इक्वेशन फर्स्ट। ए एक्स माइनस वाई बराबर तीन, समीकरण दो। दोबारा समझा, लाइट ना वो कहीं चार्ज कर ले रहा है। हाँ तीन बटा दो, अरे वाह, तो हमारे गलती है रे, हम ही मने हम ही ऑप्शन कर जाती, वो तो ना लगा रहता है। ओह बोलो ना कितना लगल था तुम लोग, यानी इतना अच्छा बनाया देखने है कि दिया ए तीन बटा ए दो बटा माइनस एक, यहाँ माइनस छिपावा नोट, नहीं एक स्थान पर तीन, अब बी का स्थान पर दो, सी का स्थान पर चार, तो ए बटा तीन नोट इक्वल टू दो, यहाँ एक छिपा माइनस एक, तिरछा तिरछी गुना टू ए नोट इक्वल टू माइनस तीन, ए नोट इक्वल टू माइनस तीन बटा दो, सही है? इधर दिया देखो तो दिया है, पूरा बना रहा है रे, कहता पढ़ा है क्या, पूरा बना रहा है रे। अच्छा वहाँ गलती से लिखा रहा पी, वहाँ गलती से पी लिख किताब में लिखा गया, यहाँ देखो ए लिखता है कि किताब में चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कि फोर एक्स प्लस पी वाई प्लस आठ बराबर जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू बराबर जीरो, समीकरण दो। तक यहां ने पी दिया हुआ गलती से, इसलिए कि यहां ए लिख दिया शुरू में, कि हम पी कर देते हैं पी, कि पी का मान ज्ञात करके इसके समीकरण निकाल होती है, बंदी बना पी का मान निकालना है क्या पहले सुनिए सुनिए ना, ये चार्ज लगा देते कहाँ गिने क्या नहीं चार्ज में, अरे चार्ज लगा नहीं, अच्छा गिरो ने हाँ दिया, जैसा दिया
चार दिया पूरा है तेज तो दिखाए, लेकिन अभी तुमको मैं देंगे तुमसे नए बनेगा। अभी मैं देंगे ना जितना यूट्यूब पर देख रहा तुम कितना तुमसे किसी से नहीं बनेगा। चैलेंज अच्छा देते हैं, ये तो आसान है देखिए है देते हैं भाई, तुझ न करता तुम 4/2 P/2 तिरछा देखिए तो 2×2=4 तिरछा तिरछी गुना 2/1 = P/2 तो हाँ P=0.4। अच्छा तो अब दे रहे हैं चलो चलो तुम्हारा देखा तो जितना यूट्यूब पर है को बड़ा देखी तो देखिए किससे बनता देखो। चलो जी अच्छा दे रहे हैं अच्छा ऐसा करो पहले पहले पूछ लो तब देते हैं। पहले पूछो तब देंगे। चलो अब तुमको हम इसमें बता दिए, एक मिनट हाँ बना दिखाओ लो। हाँ चलो जी चैलेंज (3x-4y) या इसे अपने 2x+3y लो क्वेश्चन लो जी यूट्यूब पर चैलेंज 2x+3y ग्यारह का हल समुच्चय निकालें जबकि एक्स वाई पूर्णांक संख्या है। देखा वरना जल्दी के पहले यूट्यूब पर 2x+3y = 11 का हल समुच्चय निकालें जबकि एक्स वाई दोनों पूर्णांक संख्या है। देखिए चैलेंज बनाया हम नहीं थे चलिए
अरे वाह, कोई नहीं, यूट्यूब पर। गुरुजी हम मान लेते हैं, आप क्या देखिए क्या लिखा है, बड़ा 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 करते हैं, बड़ा कर हैं। हाँ, नहीं, एक्स वन कैसे हो जाएगा, ये क्यों समीकरण है, ये है तो वन होगा। हल समुच्चय, समुच की परिभाषा क्या है, समुच पहले नम्मा पढ़ना था, अब इंटर पढ़ना है कि भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के संग्रह को समुच कहते हैं। समुच में क्या है, कितनी इसके हल हो सकते, अनंत हल हो सकता भी, कोई आंसर देना है, कोई नहीं, लगाओ जोर, यूट्यूब पर नाम कमा लो, नाम कमा को, नाम कमा तो कोई, अरे वाह, कोई नहीं, देखो चैलेंज कर दिए हम। एक आपको लड़का है पुराना, मेरा विद्यार्थी, पुराना विद्यार्थी कोई, नहीं, गलती करनी है, नंदा पावन धरती से नहीं, गलती धरनी है, आप बताते हैं, नहीं किसी सही नहीं है, किसी सही नहीं, किसी सही नहीं, किसी नहीं। चलो आप देखिए, हार गए नहीं, अब तो देखो ध्यान से, हम किताब का नाम भी बोल रहे हैं, किससे हम दे रहे हैं, कोई नहीं पकड़, आप किताब का नाम तो आप बोला ही हो, देखिए देखो ये किताब है, भारतीय भवन किताब, देखो है प्राथमिक गणित किताब है, थोड़ा पढ़ता हुआ ट्यूशन में ये सब किताब, ये प्राथमिक गणित ही चलता है तुम्हारा पूरा, आप तुम उसका निकाल लो पेज नंबर, इसका विविध प्रश्नावली पेज 82A82 किताब भारतीय मन है, और उसका हिसाब नंबर आपको दिए हैं आपको, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ ठीक तो है, हाँ हिसाब 14 का 2 दिए हैं, हिसाब 14 का 2 दिए हैं, देखो ये आप देख सकते हो वहां पर 14 का 2 देख रहे हो, हाँ देख रहे हो, तब 14 के 2 है, सुन लो थोड़ा सा, ये हमें परीक्षा में हमेशा आता है सब, वो परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं लिखे कि हाल समुच याद करें, देखो कैसे बताते हैं हम, अब बहुत आसान मैथ पूछे थे, ये भारतीय मन का मैथ है, सब लोग पढ़ाते हैं इसको, देखें जैसे हर समुच क्या, सुन लो समुच क्या है, सेट, तो समुच के बारे में सुन लो थोड़ा सा, समुच क्या है, सेट, तो सेट क्या, सुन लो सेट है कि वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच कहते हैं, यानी बहुत से वस्तु मिला दो वो क्या है, समुच है, या भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच कहते हैं, यह परिभाषा दिए थे जॉर्ज कैंटर ने, जो फादर ऑफ सेट हैं जॉर्ज कैंटर, और उन्होंने कहा था कि समुच के अवयव को महली कॉस्ट में लिखिएगा, देखिए महली कॉस्ट में, जो समुच का अवयव है उसको लिखिए कौन कॉस्ट में, महली कॉस्ट में, और समुच को दो तरह से व्यक्त किया जाता है, एक होता है सारणी विधि, सुन लो छास्ता बोल, एक होता है सारणी विधि यानी टेबलर मेथड, ये क्या होता है सारणी विधि में, कि जब समुच के सदस्यों को कॉमा द्वारा अलग अलग लिखा जाता है,
उसे कहते हैं सारणी, जिसे जैसे देखिए है, जैसे है इसे देखिए, ए बराबर एक दो तीन चार। ये अब क्लास नाइन में पहले पढ़ना था, पॉलिटेक्निक में पढ़ाए थे इसको, अब इंटर्न पढ़ना है, आई सी पढ़ना है। ए बराबर एक दो तीन चार, ये आठवां में पढ़ाते हैं, सब आठवां बेसिक पढ़ाते हैं, दो चार छः आठ। देखो यह हुआ सारणी विधि, अतः इसको लॉ गुण प्रकटीकरण, गुण प्रकटीकरण विधि या समुच निर्माण विधि, गुण प्रकटीकरण विधि या समुच निर्माण विधि। इसमें क्या है कि इसमें अवयव को एक विशेष गुण के द्वारा लिखा जाता है, विशेष गुण, तो गुण निकालो इसमें, जैसे ए इज इक्वल टू तो एक दो तीन चार है, कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है, ध्यान दे रहे कौन संख्या, प्राकृत संख्या है। तो लिखा नहीं लिख जाए एक्स जबकि एक्स, एक्स सच दैट एक्स, जबकि चिन्ह जबकि एक्स जबकि एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक हो, एक प्राकृत संख्या है। एक्स जबकि एक्स, ये देखो कौन संख्या, एक दो तीन चार, ये प्राकृत संख्या है। देखिए गुण हो गया, ये एक दो तीन चार, ये सारणी विधि हो गया, इसका गुण है, यह कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। बी बराबर एक्स जबकि एक्स, एक्स जबकि एक्स, दो चार छ आठ, ओ सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ये गुण हो गया। क्योंकि कभी तो नए पढ़े को की, लेकिन हम बेसिक पढ़ाते हैं, आठवों पढ़ाते हैं बेसिक, और नवों बेसिक पढ़ाते हैं इसको। अच्छा आज मान लिया जिस तरीके है, एक आगे देखिएगा फिर बजित, ई वह सारणी विधि पढ़ी, एक्स जबकि एक्स सच दई टैक्स, एक्स सच दई टैक्स, एक्स जबकि एक्स, सम प्राकृत, देखें सम दो चार छः आठ, ये सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, उतना बड़ा हटाओ। तो जहाँ हल समुच कहे निकालने के लिए, तो पहले याद रखना समुच को मंझली कॉस्ट में रखा जाता है, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच कहते हैं, या भिन्न एवं विभेदक वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच कहते हैं, और समुच के सदस्य को मंझली कॉस्ट के अंदर रखा जाता है। तो तुमको प्रथम ऑब्जेक्टिव ऐसे आता, ऑब्जेक्टिव देखिए ऐसे, देखिए ऐसे तो आए, तो कि एक्स स्क्वायर बराबर पांच का हल समुच कौन होगा, तो जहां समुचाएगा, अच्छा तो हल लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर पांच, या नहीं भाई चार है, पांच कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चार नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर चार, एक्स बराबर प्लस माइनस चार, द्विघात में पढ़ाए थे, और तब एक्स बराबर प्लस माइनस दो, एक्स का मान दो भी माइनस दो, तो हल समुच, हल समुच बराबर ऐसे मंझली कॉस्ट में याद रखना, हल समुच में क्या आता, मंझली कॉस्ट। तुम देखो क्वेश्चन निकाल के देखो, सर निकाल के देखो, ये दो दो और माइनस दो, देखिए ये आंसर सही हुआ, अगर तुम ऐसे लिखेगा ये गलत है, ये समुच नहीं है, समुच का घर क्या आता, मंझली कॉस्ट, समुच के सदस्य को मंझली कॉस्ट के अंदर रखा जाता है, उसका वो घर हो गया मंझली कॉस्ट। इसलिए देखने कहीं सेट मारे हम ही सेट, तो सेट मार तो उसमें देखो दिखा होगा मंझली कॉस्ट, ये सही हुआ, ऐसे है, ऐसे देखिए ऐसे है, दो और माइनस दो, देखो मंझली कॉस्ट हो गया, कितना आसान। लो एक्स स्क्वायर बराबर पाँच हल समुच, तो पाँच जी तो पाँच पाँच तो अंडर रूट पाँच, क्योंकि पाँच रूट पाँच भी और माइनस रूट पाँच भी, ये आंसर क्या होगा हर समुच में, हर समुच बस ऐसे घेर देंगे
रूट पांच और माइनस रूट पांच, बस इतने जानना है। अब बताते हैं, तो अब देखिए बात वही रही है, यहां ध्यान दें, अब तब तुम मान लेंगे, मान लेंगे, साथ मान लेंगे। देखो है, इसको हम बना सकते हैं, जैसे समीकरण एगो है, समीकरण एगो का हम हल कर सकते हैं कभी, जब इसका नाम है युगपत समीकरण, एक का हल हो सकता है कभी, नहीं हो सकता है। लेकिन प्राथमिक गणित में क्या दिया है, इसका हल दिया है, तो देखो हल कैसे दिखाने हैं, ऐसे लिखेंगे हल 2x प्लस 3y बराबर 11। तो सुनो 2x प्लस 3y 11 है, 11 को ऐसा से तोड़ो, 11 का एहसास तोड़ो कि दो भी कॉमन और तीन भी कॉमन, दो भी कॉमन और तीन भी कॉमन। अच्छा, तो 2x प्लस 3y बराबर 8 प्लस 3, 8 3 11, 8 3 11, और हो सकता नहीं, 8 प्लस 3 8 3 11। एगो पते बताए तो यहाँ इसके साथ 8 रह जाएगा, इसके साथ 3 रह जाएगा। अच्छा, और हो सकता, और 8 प्लस 3 हाँ 9 2 11, ये भी सही, देखिए 9 प्लस 2 तो 9 3 के साथ और 2 इसके साथ, दोनों आंसर सही होगा। इसमें ऐसा रखना है कि कॉमन आ जाए, ऐसा रखना कि कॉमन आ जाए, ऐसे बोलो देखिए, ऐसे 8 प्लस 3 रखिए, तब इसके साथ ई दे दो 2x माइनस 8 बराबर 3 माइनस 3y, प्लस 2 माइनस अब प्लस 2 माइनस, तो दो कॉमन x माइनस 4, तीन कॉमन वन माइनस वाई, तो एक्स माइनस 4 बटा 3, किताब निकाल लो भाई, किताब निकाल लो, गुना तो भाग और वन माइनस वाई बटा 2, यानी गुना तो भाग, गुना तो भाग, एक्स माइनस 4 बटा 3 बराबर वन माइनस वाई बटा 2, तो x माइनस 4 बटा 3 बराबर 1 माइनस y बटा 2 बराबर k माना, इसको k माने हैं, यहां माना क्यों लिखे, बराबर तो पहले से है, तो x माइनस 4 बटा 3 बराबर k, तो x माइनस 4 बराबर 3k, एक्स माइनस 2 प्लस 3k प्लस 4 और 1 माइनस वाई बटा 2 बराबर के, 1 माइनस वाई बराबर 2k, अतः प्लस 2 माइनस, ऐसे प्लस 2 माइनस, तो 1 प्लस 2k बराबर वाई, नहीं देखिए तिरछा तिरछी गुना, और 1 माइनस वाई 2 के प्लस 2 माइनस और माइनस, राइट, अब माइनस टू प्लस वाई मान आ गया। तो देखिए तुमको आंसर, देखो आंसर हम देख के लिखते हैं, आंसर देखो आंसर लिखा हुआ, देखो आंसर ऐसे है, इसका आंसर ऐसे दिया है, आप दे सकते हैं, भारतन किताब है, 8 का 8 ए का 82 है, विविध प्रश्नावली है, देखो आंसर दिया, देखो आंसर है, हम आंसर देख लिखते हैं, यहाँ ऐसे है, एक्स वाई एक्स वाई जबकि एक्स बराबर 4k प्लस 2 और वाई बराबर 4k प्लस 2, 4k प्लस क्या है 2, यानी एक्स 4k और वाई बराबर 3k, 4k प्लस 2 और वाई बराबर 3k, देखिए ऐसे आंसर दिया है, हम मैंने क्वेश्चन घेर दिया है। अब देखें
हमारे ये भी सही है, हमारे ये भी सही है आंसर, अब वो भी सही हो जाएगा। वो जो ऐसे बनाया होगा, देखो 2x + 3y बराबर 11 लिखा होगा वो लोग, कि 9, हाँ 9 लिखा होगा, 9 वो बताते हैं। लेकिन हमारा ये भी सही है, ये भी बताते हैं, आंसर ला देते हैं। लेकिन हमारा ये भी सही, देखिए आंसर देखो दिया, देखिए कैसे है, ऐसे है कि तामी आंसर दिया है हमें, तो वही भी हमारा सही है कि 11 8 ऐसा से तोड़ो, ऐसा समझो 11 ऐसा तोड़ो कि यहाँ भी कॉमन और यहाँ भी कॉमन हो जाए, यानी x में भी कॉमन y में कॉमन हो जाए। ओ 8 3 11 प्लस 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x -4 3 कॉमन 1 - y। अब गुना तो भाग x -4/3 बराबर 1 - y/2 बराबर के माना, तो x -4/3 बराबर के, x -4/3 के और माइनस तो प्लस, 1 - y/2 बराबर के, y बराबर क्या है 2 के, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। तो लिखेंगे आंसर, लिखेंगे क्या है, तो हल, हाँ हल समुच आता है, हल समुच यहाँ तक तो हो गई, आंसर लगी आता है। हल समुच ये मंथली कॉस्ट, तो समुच कह रहा है एक्स वाई, यहाँ दो चीज है एक्स भी और क्या है वाई, एक्स वाई, जबकि सच दैट, ये सब पॉइंट याद रखना है परीक्षा के लिए, एक्स वाई जबकि एक्स इजकल टू कितना है 3k + 4 और वाई इजकल टू 1 - 2k, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू, यानी सदस्य कहलाता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर आई, पूर्णांक में क्या आई, जहां ऐसे देखिए जहां एक्स वाई पूर्णांक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक संख्या है, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, मंथली कॉस्ट में ला देंगे, मैंने जगह नहीं बचा, ऐसे हम जगह बता देते हैं, ऐसे लिखना है, वही आंसर दिया है, अब तुम हुआ वो आंसर लाना अपने से, रुक जाओ, हाँ ठीक तो है, के बिलोंग्स टू आर, के बिलोंग्स टू जेड, यानी 3k + 4 1 - 2k, सही तो है ये, आइए ये हम पहला लिखे थे आंसर, इसको इतने दिया देखो, हाँ आंसर इतने दिया देखो, आंसर देखो ऐसा, आप देते माने देते, देखिए आंसर है 20 प्रश्नावली के, हाँ सब निकाल, ऐसा इतना दिया 17, दूसरा दिए थे एक्स वाई जबकि यहाँ ठीक है, यहाँ पर +5 2k - क्या है 1। अब चलो अब तुमको यहाँ देते हैं, तुम एक बार बनाओ अपने नियम से, हाँ हल समुच्चय बना दिखाओ जी, फिर देखते हैं इस, फिर समझा देते हैं हम, हाँ 14 का देखो जी, 14 सब देख लो, वहाँ पर ऐसे ऐसे दिया है एक्स वाई, ये 14 का 2 था आंसर दिया ऐसे है, सब देख लो, इन्हें कहना कि सर गलती पढ़ाए हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स बराबर 3k + 4 एक्स बराबर 3k + 4 सर यही दिया है 3k + 4 और वाई बराबर 1 - 2k सही, देखिए 1 - 2k आ क्या लिखा, के बिलोंग्स टू जेड, देखो क्यों लिखा जेड, समझा समझाते हैं, वैसा लिखा के बिलोंग्स टू जेड, सुन लो अच्छा, बिलोंग्स में क्या आता है,
इसका अर्थ है सदस्य, यह सदस्य या अवयव, इसका चिन्ह ऐसे होता है इसे। ये जैसे कहीं आप जाते होंगे तो बोलते हो कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, कभी बोलते होंगे अगर आप बिहार से बाहर जाते होंगे पूछते होंगे आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, यानी आप कहाँ किस राज्य के सदस्य हैं। बिलोंग्स में क्या होता सदस्य, अवयव, तो हम बिहार से बिलोंग्स करते हैं, किस जिला से बिलोंग करते हैं, नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं या शेखपुरा से बिलोंग करते हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं, जहाँ लखीसराय लोग जो कह सकते हो, अरे जितना कह सकते हो, जहानाबाद सब जो कह सकते हो, तो नहीं हम जहाँ का भी अभी देखो बिलोंग्स है। अच्छा, आप पूर्णांक संख्या को आई या जेड से, आई या जेड बताए थे, अब फिर बताएंगे आप वो शुरू कर रहे हैं कल से रियल नंबर, तो पूर्णांक संख्या को आई या जेड से तो आइए रखें, प्राकृत संख्याओं के एन से, होल नंबर को डब्लू से, अब पूर्णांक संख्या आई या जेड से और वास्तविक संख्या को आर से, तो यही आंसर मिला लो हम, एक ऐसे गलती पढ़ाए हैं हम, यहाँ लिखने एक्स वाई पूर्णांक संख्या है और तुम अगर मन है इसका यहाँ साफ लिखना कि के बिलोंग्स टू क्या है जेड, के बिलोंग्स टू क्या है जेड, फिर आंसर समझ लो है, तो हम आंसर दे हर तुमको दिखा दिए और हम अब यहाँ लिखते हैं। बोलो 2x प्लस 3 11, 8 प्लस 3, प्लस 2 माइनस, प्लस 2 माइनस, 2 कॉमन, x माइनस 4, समझो प्रोसेस ऐसा से लिखो कि यहाँ कॉमन 2 में भी हो जाए, x में भी और y में भी कॉमन हो जाए, तो 2x माइनस 8, तो 2 कॉमन, इस 11 लिखे 8 प्लस 3 लिखे, प्लस 2 माइनस, प्लस 2 माइनस, 2 कॉमन, x माइनस 4, तीन कॉमन वन माइनस वाई, देखते हैं क्या बनाता है, गुना तो भाग एक्स माइनस चार बट्टा दो वाई बट्टा दो बराबर के माना तिरछा तिरछी गुना माइनस दो प्लस तिरछा तिरछी गुना यानी प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, अतः हल समुच, ये भी सही है आपका है, अतः हल समुच बराबर, देखिए इसे हल समुच बराबर, अतः हल समुच, देखिए ऐसे समझ लिखे हैं सेट, देखो समुच है, देखिए ऐसे ये चौ यहाँ है समुच ही है, तो हल समुच बराबर समुच है ना, समुच बराबर ऐसे कि एक्स वाई सच दैट, इसका नाम है जबकि या सच दैट, इसका ऐसे रहे या ऐसे बिंदु रहे, इसको जबकि कहते हैं या सच दैट, सच दैट कहते हैं, तो जबकि या सच दैट एक्स वाई तो एक्स इज इक्वल टू थ्री के प्लस फोर, देखते हैं क्या बनाते हैं, वाई बराबर वन माइनस टू के, आप बोलो यहाँ क्या लिखे हैं, जबकि एक्स वाई पूर्णांक संख्या है तो के बिलोंग्स टू, के बिलोंग्स टू आई, आई इधर इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है, कैसे देखिए है बताते कैसे बताते देखो है, अब समझो तुम ये अनंत हल हुआ, अनंत हल हुआ ये, अगर तुम के का मान दो यहाँ समझो अच्छा से, के का मान दो एक रब पहले समझेगा, के एक मान एक दो तो एक दो के का मान, के का मान एक तो तीन गुना एक तीन, चार तीन सात, यहाँ एक माइनस दो गुना एक तो दो माइनस एक, फिर के मान दो दो तो दो तीन दूनी छः चार दस के मान दो दो तो दो दूनी चार एक हटाओ चार माइनस तीन, तो केक मान तीन यानी पूर्णांक संख्या क्यों चिकाते हैं, पूर्णांक संख्या ना जीरो कल पर है वो पूर्णांक संख्या जीरो एक दो तीन और माइनस एक माइनस दो, ये पूर्णांक संख्या कहलाता है, यानी धनात्मक संख्या अनंतक, ये भी अनंत ये भी अनंत, धनात्मक संख्या इनात्मक संख्या
और शून्य को मिलाने से क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। ये भी अनंत, ये भी अनंत, इससे अनंत मान होगा। एक मान तीन, तो तीन तिया ही नौ, नौ चार तेरह, आ तीन दूनी छ, एक घटाओ छ माइनस पाँच, बहुत अनंत मान, अनंत हल होगा इसका। ऐसे निकालता अनंत हल, कोई बोले कि अनंत हल निकाले तो ऐसे निकालना। अच्छा, जितना मान देगा उतना सही रहेगा। के का मान पाँच, तो पाँच, तो पाँच तिया ही पंद्रह, चार उन्नीस, अब पंदुनी दस, एक घटाओ दस माइनस नौ, इसे अनगिनत हल होगा। कोई कहे इसका निकालो अनगिनत हल, कैसे निकलेगा। अच्छा, आपको ऐसे बनाए होंगे वो भी सही है। देखिए ये उतार लिए, अब देखिए ऐसे को माना होगा, देखिए ऐसे को ऐसे बनाया होगा वो भी सही है। ऐसे देखिए है, दूसरा नियम, दूसरा देखिए है, टू एक्स प्लस थ्री वाई ग्यारह, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई आठ तीन ग्यारह न नौ दो ग्यारह, ये भी सही है, ये सही है। तो टू एक्स माइनस टू नौ माइनस थ्री वाई, दो कॉमन, एक्स माइनस वन तीन कॉमन, तीन माइनस वाई, एक्स माइनस वन बटा तीन बराबर तीन माइनस वाई बटा दो। यहाँ तीन कॉमन, तीन तिया नौ माइनस वाई, गुना तो भाग, गुना तो भाग, वाई के माना के थ्री के एक्स बराबर थ्री के प्लस वन, थ्री माइनस के, थ्री माइनस वाई टू के, थ्री माइनस टू के बराबर वाई, ये भी सही है। अब देखो एक्स वाई तो यहाँ हो जाएगा थ्री के प्लस वन, वाई बराबर थ्री माइनस टू के, जहाँ के बिलोंग्स टू आई, के सदस्य है किसका, एक का, आई का, आई बिल्कुल पूर्णांक संख्या। इसका अर्थ कही कहते कही के बिलोंग्स टू आई, इसका अर्थ के सदस्य है किसका, पूर्णांक संख्या का। के सदस्य किसका, इंटीजर पूर्णांक संख्या का सदस्य है। समझ में आ गया, अब बना दिखाओ। देखिए अच्छा, यहाँ घटाने से हो सकता है, याद रखना कि घटाने से दे सकता तुमको। चलो मैं दिखा दू, चलिए चौदह, चौदह का दो भाटे बनाए, चौदह का दो दखा बना करके, चौदह का दो, थ्री एक्स माइनस फोर, ये तो ऐसी बन गया जी, थ्री एक्स माइनस फोर वाई बराबर छ, ये तो ऐसी कॉमन है रे, प्लस तो बना ऐसी हो गया रे, तो नहीं कैसे बना क्या पाले, नहीं तो समझ ले क्या मैसेज क्या कर रहा है, बैठा लग बोलो प्लीज प्लीज बैठिए, हाँ बैठे के हाँ, वहाँ वाला कुर्सी आए, वहाँ वाला कुर्सी पर बैठ जाएंगे हम।
वो नहीं समझे। अच्छा समझाते हैं। समझाते हैं। अच्छा समझाते हैं। रुक देखिए देखिए बोलो इसमें क्या दिक्कत है। अभी तुमको सिखाए थे कि 3x थ्री अभी तो आई आई देखी नहीं है 3x-4y हल देखें 3x-4y बराबर 6। इसमें तुमको दिखते नहीं है 3x-4y 6 है तो यहाँ 3 कॉमन है ये है प्लस तो माइनस 3x-6=4y प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। अब 3 कॉमन x-2 इसमें इसमें क्यों नहीं लिखे क्योंकि यहाँ 3 × 2 = 6 है ये कॉमन तो 3x-6=4y 3 कॉमन x-3 × 6=4y x-2/4 = y/3 के माना तो x-2/4 = (x-2+4k+2) y/3 = तो y=3 के अतः हल समुच्चय। हल समुच्चय बराबर एक्स वाई है तो सच दैट जबकि x=4k+2 y=3k। अच्छा यहां लिखल है जबकि एक्स वाई वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या को r से तो k बिलोंग्स टू आर के बिलोंग्स यानी के कौन संख्या के वास्तविक संख्या है तो जितना मान है उतना मान आएगा इस करंट मान आएगा इतना मना मना था इतना देखो तो यहाँ देखिए जहाँ एक्स वाई कौन संख्या है वास्तविक संख्या है और यहाँ कौन नंबर रियल नंबर तो परमी और अपरे मिलने से क्या बनता है रियल नंबर बनता है अनंत है इस रियल नंबर जो भी देंगे के का मान उसके लिए एक्स और वाई का मान प्राप्त हाँ वास्तविक संख्या है तो के बिलोंग्स टू आर नहीं लिखने आता है देखें के जो है वास्तविक संख्या है समझ आया समझ में समझ में आया समझ में आया नहीं बोलता है यस चालू करो। हाँ अबरी सही है। अरे इसमें क्यों न किए 3x-4y+2-2+ तो गुना तो भाग के माना x-2/4 = तिरछा तिरछी गुना -2+4k+2 y/3 = y क्या है 3k। हल समुच x=4k+2 y=3k आई हट जाएगा ही। अच्छा अब अंतिम थोड़ा चेक में जा रहा अंतिम तब तुम हिसाब पूछना हमसे।
हाँ रुको ना, अभी देख दिखाते हैं। यहाँ सुन लो, यहाँ पर यार यहाँ सुन लो, अगर नहीं यहाँ 6 मिली, 3 दूनी 6 मिल गया तब ना, या तो उसको जोड़ते घटाते ये सब करते तब आता। जैसे मान लिया, जैसे तुम कहे 4x+7y=10, 7x+4x+7y देते हैं दे, लो बना दिखाओ, 4x+7y=10 का हल समुच्चय निकाले जबकि x बराबर वास्तविक संख्या है। जब दिखाओ, दस को जोड़ो या घटाओ, दस को जोड़ो या घटाओ कैसे करो कि कॉमन 4 भी हो जाए और 7 भी हो जाए। हाँ, दस को क्या लिखोगे? माने बिना मतलब नहीं मैसेज करते रहो, पढ़ाई मैसेज करो। जब बताते हैं तो हाँ अच्छा, देखिए कितना अच्छा लड़का है। देखिए अमित कुमार, 14-4 राइट, एकदम क्लियर है। अब समझ में आ गया इसको। राजेश, हाँ देखो जो ध्यान दिया समझ में आ रहा है। तो कितना अच्छा देखो बनाया लड़का, देखो बनाया गो 14-4 लिखा। देखो इसी कहते हैं दिमाग, 14-4। चलिए हाँ ऐसे नहीं बना, देखो लड़का ऐसा है, ऐसे देखिए है, ऐसे है। बोलो तो 4x+7y=10, तो 10 को तोड़ने से 4 7 आएगा, नहीं 7 4 11 देखिए हो जाए। 10 को तोड़ेंगे तो 7+4 होगा, नहीं 10 है तब, तो 4x+7y=, हाँ बहुत अच्छा, 14-4। देखिए कितना अच्छा तुम्हारा लड़का, देखो 14-4। और तब 4x-2+, तो 4x+4, देखिए 14 घटाओ 4 तो 10 ही होगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, आई 14-7y -2++2-, 4 कॉमन x+1। बोलो क्या कॉमन है? 7 कॉमन है तो 2-y, 7 दूनी 14, 7 कॉमन 7 दूनी 14, 2-y तो x/2-y। ओ अच्छा, 1/7 2-y/4 बराबर के माना, 1/7 = k, 1/7 k, और 7 नहीं, हाँ 1+1 नहीं है, हाँ बोलो के माना, तो चूंकि 1+1/7 = k, 1+1/7 k, 1/7 k-1, 2-y/4 = k,
दो माइनस वाई बराबर फोर के, माइनस टू प्लस प्लस टू माइनस, टू माइनस फोर के बराबर वाई, तो वाई बराबर टू माइनस फोर के निकालने आता है हल समुच्चय। हल समुच्चय बराबर इमली कॉस्ट एक्स वाई, जबकि एक्स बराबर सात के माइनस वन, वाई बराबर दो माइनस फोर के, एक्स वाई बराबर सात के माइनस वन, वाई बराबर टू, टू माइनस फोर के, टू माइनस फोर के, एक्स टू माइनस फोर के, आ के बिलोंग्स टू कौन संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी आर। चलो समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग क्या करो, नहीं थे हैं? अब तुम लोग क्या करो, अब पूछो, बोलो बोलो दिया चार्ज करने बोलो, हाँ ये बोला। तो अब तुम लोग क्या करो, पूछो, अब क्या पूछना पूछो, तो हम यहाँ लिखते हैं लेसन। तो मोबाइल बाबू बोला, मोबाइल बाबू वो नीचे चार्ज मोबाइल, हाँ इतना बता दिए, अब तुम्हारा काम है पूछो। चलो तुम्हारा काम है अब, तब का लेसन नया चालू कर देंगे, पहले संन्यास चालू कर देंगे। चलो पूछो, पहले केसी सिन्हा में एक्सरसाइज उधर तो सब बता दिए थे, तो केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 3.1, केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.1, पूछो क्या दिक्कत है। अच्छा ऐसे हम सब बता दिए हैं, सर क्वेश्चन नंबर 26, 29, 6, रुक जाओ हो जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 26, 29, 6, नौ का छः, नौ का छः, 12 का पाँच, 27, हाँ 26, सब हो गया क्लियर। 21 का तीन, 21 का तीन, 28, 28। अच्छा तो उसमें आते हैं 3.1 में, रुको ना, 26 सब वही पूछा, 26, 28, 18, रुको
सब जानते हो सब एक के तरह से बनेगा, किताब कहाँ मिलती किताब देखिए है। ये जो पहले पूछा 26, बहुत लड़का पूछा 26 क्या है, ओ 26 बहुत पूछा 26 लो तो 26 से पहले बता देते हैं। 26 है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, गणित के जो जानते हो अपने से भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से हल करें। आइए आलेखीय विधि से ज्ञात करें, कितना आसान सवाल है। दिखा बना कोई हल, माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, अब बोलो तो कुल क्या विद्यार्थी है, 10 गो है, यानी छात्र और छात्राएं लड़का और लड़की मिलने से विद्यार्थी बनता है, विद्यार्थी में दोनों आ गया। एक वर्ग में एक माने एक गणित का प्रतियोगिता परीक्षा था, उसमें लड़का लड़की दोनों भाग लिया, तो कुल क्या कैंडिडेट क्या विद्यार्थी 10 गो है। तो प्रश्न से कुल विद्यार्थियों की संख्या 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट, कितना आसान है। और तब कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों संख्या कौन वाई, पुनः लड़कियों की संख्या तो वाई बराबर या जे निकाल दे मान हटाओ, पुनः ग्राफिय हल करना है तो निकाल दे, यहां पर एक हो जाएगा तो x बराबर 10 माइनस वाई
प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस दे निकल मान निकाल लो, वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। प्लस टू माइनस दस माइनस वाई, ऐसे समीकरण निकाल कर हल्का था तो हल्का पड़ता, ऐसे इक्वेशन वन हो जाता है ना, समझा। आ तब प्रश्न से पुनः अपना लड़कियों की संख्या क्या माने हो, वाई बराबर लड़कों की संख्या एक्स से चार अधिक है तो प्लस चार जोड़ दे। लड़कियों की संख्या भाग लिया, लड़कियों की संख्या वाई माने हैं, लड़कों की संख्या क्या माने एक्स से चार अधिक है, चार जोड़ दिए। प्लस टू माइनस वाई माइनस एक्स बराबर चार, समीकरण दो प्लस टू माइनस। अब तब देखें इसको हल करना कौन विधि से, ग्राफिक्स हल करना है, यहाँ समझ आ गया। अब तब तुमको बताते हैं इसको, अब तब है सब बन जाएगा, तुम जो बना दो सब बन जाएगा, खुद बना देखो। प्रश्न से देखिए समीकरण एक इसे भारी भारी बता दिए हैं, ऐसा है। एक्स एक्स प्लस वाई बराबर दस, प्लस टू माइनस एक्स बराबर दस माइनस वाई, दे दो कुछ वाई का मान जीरो, वाई का मान जीरो, एक्स का मान दस, तो लंबा पड़ेगा थोड़ा सा, तो अगर जीरो दीजिएगा तो थोड़ा दस 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 कैसे हो जाएगा, दस यहाँ और दस यहाँ, ठीक है वो भी सही चले चलेगा। दे दो यहाँ अगर जीरो देते हो, यहाँ देखते हैं जीरो देते हैं तो चार आता है, दे जैसे तो कोई दिक्कत ना है, चलो वाई का मान बोलो तो वाई बराबर क्या है जीरो, तो एक्स बराबर दस माइनस की ज़्यादा बड़ा मान हुई तो छोटा कर ले, तो वाई का मान चार, एक्स बराबर दस माइनस चार, मान अपने मन दे सकते दस माइनस चार तो छः और क्या, ठीक तो है वाई का मान दे दे छः, एक्स बराबर दस माइनस छः बराबर चार, कौन दिक्कत है, ये छोटा मान तो जीरो भी दे सके हैं, तो जीरो देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दस का ये दस का मानता दस घर जीरो भी दे सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दस हो जाएगा। अच्छा आ तब समीकरण दो से ये तो मान सारणी एक्स वाई ऐसे सिखाए थे, एक्स वाई मान सारणी एक्स का हाँ वाई का मान चार एक्स का मान छः, वाई का मान छः एक्स का मान चार, आएगो समीकरण दो सौ, समीकरण दो से तो दो क्या है वाई माइनस एक्स बराबर चार, ये दो देखिए वाई माइनस एक्स माइनस टू प्लस वाई बराबर एक्स प्लस चार, नहीं दे मान, नहीं दे मान, एक्स का मान जीरो वाई के मान जीरो प्लस चार, तो अपना मान अपने मन से मान दे सकते हैं, मन एक्स दे दो दो दे दो वाई बराबर दो प्लस चार, ऐसे माइनस चार देना पड़ेगा जीरो आएगा तो कौन दिक्कत है, दो प्लस चार तो छः मान कुछ दे सकते हैं, वाई माइनस एक्स चार तो माइनस दो प्लस एक्स का मान जीरो, जीरो प्लस चार तो चार, एक्स का मान दो दिए तो दो प्लस चार तो छः, मान कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई मान सारणी है, एक्स का मान जीरो वाई का मान चार एक्स का मान दो वाई का मान छः,
अब यहाँ तो लेते नीचे लेते नीचे तुमको यहाँ ये 26 हो गया ही, अब 29, 6, 9, 9 का 6, 12 का 5, 27, 21 का 3, 28, 18। अब देखे हैं और ग्राफ पेपर में सामने 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 ग्राफ पेपर में आ जाओ। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 0 मूल बिंदु है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ माइनस एक देखते कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक ये जो एक्स का मान 6 वाई का मान 4, एक्स का मान 6 वाई का मान 4 इसके सामने है, 6 के सामने के सामने वहीं कटेगा ही। अट्ठाईस छब्बीस 3, 7 होते और तो 6 ये 7 में हम देखे पहले 7 एक और 7 अगर कहाँ बा है ग्राफ पेपर सही से बढ़े ग्राफ पेपर में। हाँ एक्स का मान 6 वाई का मान 4 देखिए सामने देखिए थे एक्स का मान 6 और वाई का मान 4 देखिए 4 सामने देखिए सामने है सामने देखिए सामने है छः चार एक्स का मान 4 वाई का मान 6 तो 4 6 से चार आई छः सामने सब सामने है नहीं सामने कहाँ है। अच्छा देख बोल ग्राफ पेपर अच्छा बनाया ग्राफ पेपर में ये यार तुमको कौन सी 4 6 ग्राफ में रहता चिन्ह दिया था ग्राफ में चिन्ह दिया रहता है ये ऐसे हो गया ये ऐसे हाँ ऐसे एक्स का मान 4 वाई का मान 0 एक्स एक्स पर एक्स का मान 4 वाई का मान 0 एक्स एक्स पर 4 0 एक्स का मान 0 वाई का मान 2 एक्स का मान 0 वाई का मान 2 एक्स का मान 0 वाई का मान 2
एक्स का, ओ अच्छा अच्छा एक्स का मान 6 वाई का मान 2, अच्छा एक्स का मान 6 वाई का मान 2, अच्छा यहाँ तक ऐसे तो वहाँ कटेगा जा करके। देखिए ना इसके सामने एक्स का मान 6 वाई का मान 2, तो 6 के सामने और 2 के सामने कटेगा यहाँ, इस 7 के सामने यहाँ कटेगा ही, यानी 7 और 3 कैसे हो गया ये सही तो बनाए हैं। एक्स प्लस वाई 10, एक्स आवर 10 माइनस वाई, तो वाई का मान 4, एक्स का मान 10 माइनस 4 तो 6 सही तो है, वाई का मान 6 दिए हैं, एक्स का मान 10 माइनस 6 तो 4, तो एक्स का हाँ वाई 4 एक्स 6 और वाई 6 और एक्स 4 सही तो है, और वाई बराबर माइनस तो प्लस, लड़की संख्या लड़का ज़्यादा है तो लड़का 3 तो लड़की इसका 7 है, तो बोलो तो यहाँ एक्स का मान 0 दिए हैं तो वाई 0 प्लस 4 तो 4, एक्स का मान दिए हैं 2 दे तो 2 प्लस 6 तो सही तो है, एक्स का मान यहाँ गलती देखिए, एक्स का मान 0, हाँ एक्स का मान 0 वाई का मान 4 राइट, अब आ गया एक्स का मान 2 उल्टा लिखा गया था, मैसेज क्या था, मैसेज क्या था देखो तो नहीं किया, एक्स का मान 2 वाई का मान 6 राइट, अब हो गया है, अब आओ तो एक्स का मान 0 वाई का मान 4 यही हो जाएगा, एक्स का मान 0 वहाँ यहाँ वाई का मान 4 यहाँ होगा, ये होगा एक्स का मान 0 वहाँ मैसेज क्या नहीं किया तुम लोग, एक्स का मान 0 वाई का मान 4 कि 0 4, एक्स का मान 2 वाई का मान 6, हाँ एकदम राइट आया एकदम, देखो है एक्स का मान 2 वाई का मान 6, हाँ गलती कैसे हुई थी, अतः वैसे इसको ऐसे मिला दो कि 2 6 है, देखो यहाँ 2 6, अब ग्राफ में अच्छा था ग्राफ, देखिए ऐसे मिला दे रहा, देखिए यहाँ कट ले, देखिए यहाँ ये देखिए ऐसे कट गया ही, इसका नाम लो समीकरण का, यहाँ नाम क्या, ये वाई माइनस एक्स बराबर 4, इसका नाम हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 10, और जहाँ कटाई वहाँ से लम रहा सही दिमाग, देखो यहाँ से लम डाल दे ऐसे, जहाँ कटा यहाँ कट गया ही, यहाँ कटा 7 यानी 3 और 7, 3 और 7 पर कटाई यानी एक्स का मान 3 ताता, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या एक्स बराबर क्या है 3, और लड़कियों की संख्या वाई बराबर 7, आंसर आ गया ही, समझ आ गया समझ में, आप पूछा है कौन लिखित 29, बता दिए हैं 9 रुपया में 2 पेंसिल थी, 29 बता दिए हैं, अब आ जाओ 6 27 27 तो हल्का, 2 वर्ष पहले पिता का उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद वो 27 पूछ रहा, अच्छा 27 भी है 28 भी है, वो तो 28 तो हल्का है, 27 भी है 28 भी, तो 27 बताते 27
आज भाई पूछताछ करते हैं, कल संन्यास शुरू करेंगे। आज पूछताछ करते रुक जाओ, हम समीकरण बना देते हैं, तुम अपने हल करना। से देखिए, दो वर्ष पहले पिता का उम्र 27, दो वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। पिता का उम्र पांच गुनी थी। पांच गुनी थी और दो वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से। दो वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से से 8 वर्ष अधिक हो। 8 वर्ष अधिक है तो आलेखीय विधि से पिता और निकाले। दो वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। दो वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से। आठ वर्ष अधिक है। हाँ चलो, क्लियर है। कौन सी सोचना है समय ये सोचना, कुछ नहीं सोचना है। टहल को दिखा दिया, कल बैठे टहल। अब देखें हल माना कि पिता का वर्तमान उम्र 100 वर्ष, पुत्र का वाई वर्ष। तो पहली स्थिति में परिस्थिति क्या है कि देखो, दो वर्ष पहले पिता का उम्र एक्स माइनस 2 वर्ष और 2 वर्ष पहले
वाई माइनस दो वर्ष, वाई माइनस दो वर्ष, वाई माइनस दो वर्ष, यानी पहले घटता है अब बाद में जुड़ता है। तो दो वर्ष पहले पिता का उम्र, तो प्रश्न से दो वर्ष पहले पिता का उम्र कितना है, एक्स माइनस दो बराबर पुत्र की उम्र के क्या गुना, पांच गुना, तो वाई माइनस दो का पांच गुना, एक्स माइनस टू बराबर पांच वाई माइनस दस प्लस टू माइनस माइनस दस प्लस दो, एक्स माइनस पांच वाई बराबर माइनस आठ, इक्वेशन फर्स्ट। यानी दो वर्ष पहले एक्स माइनस दो, दो वर्ष पहले वाई माइनस दो का पांच गुना, तो पांच गुना कर दिए। और दूसरी स्थिति में आंसर कितना, दो वर्ष बाद पिता का उम्र एक्स प्लस दो वर्ष, दो वर्ष बाद वाई प्लस दो वर्ष, दो वर्ष बाद पिता को उम्र एक्स प्लस दो वर्ष, दो वर्ष बाद पुत्र का उम्र वाई प्लस क्या है, दो वर्ष। तो प्रश्न से एक्स प्लस दो कितना है, एक्स प्लस दो वाई प्लस दो का क्या गुना, तीन गुना से आठ वर्ष आठ जो नहीं, दो वर्ष बाद एक्स प्लस दो आप पुत्र जो है वाई प्लस दो का क्या गुने से, तीन गुने से कितना अधिक, आठ वर्ष अधिक प्लस आठ जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस दो बराबर थ्री वाई प्लस तीन दूनी छः प्लस आठ, थ्री वाई तीन दूनी छः प्लस आठ। अब देखें प्लस टू माइनस, एक्स माइनस टू वाई प्लस टू माइनस, एक्स माइनस क्या वाई, थ्री वाई, आठ छ चौदह, चौदह माइनस दो प्लस टू माइनस, एक्स माइनस थ्री वाई बराबर बारह, समीकरण दो, एक और दो से, एक और दो से। आप बताए थे तुमको कि जब पिता पुत्र का हिसाब आ जाए तो 21 वर्ष से कभी कम होगा, नहीं होगा, पिता 21 वर्ष से कम होता नहीं है। तो ऐसा हिसाब आने पर क्या बताए थे, चलाकी बताए थे आपको, वो हिसाब नंबर था जानते हो कितना था, ऐसे हिसाब था, हिसाब नंबर था वही, यानी तीसरा था। तो पहले समीकरण को हल कर दो दुप्तीकरण से, रफ कार्ड में ऐसे बताए थे कि रफ कार्ड लिख करके इसको हल कर दो। तो रफ कार्ड लिख करके तो देखिए थे एक्स माइनस पाँच वाई तो माइनस आठ, आ एक्स माइनस थ्री वाई तो बारह, घटा माइनस प्लस माइनस कट गया, तीन वाई माइनस पाँच वाई तो माइनस टू वाई बराबर माइनस बारह आठ बीस, वाई बीस बटा दो दस, तो वाई बराबर दस। अब वाई का मान समीकरण एक में देने पर, एक में एक क्या देखो है, एक्स माइनस पाँच वाई माइनस आठ, तो एक्स माइनस पाँच गुने दस बराबर माइनस आठ,
एक्स बराबर माइनस आठ, दस पचे पचास, एक्स बराबर बयालीस आएगा। ओ अच्छा देखिए याद रखी, यानी वाई का मान दस, एक्स का मान क्या बयालीस बताए थे, मैंने इस चीज को हल कर दी, पता चल गया आंसर कि यहाँ एक्स वाई का मान दस आएगा और एक्स का मान बयालीस आएगा। और तब क्योंकि बिना हल के हुए बयालीस हटेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हटेगा, उसमें नहीं हटेगा जी बताए थे, इसलिए पहले इसको ऐसा हल कर देना है लुप्तिकरण से। वाई का मान दस, एक्स का मान क्या है बयालीस, निकालिए मान, और तब आएंगे वही एगो मान देंगे ऐसा है। रफ काट है इसको, ऐसे काट देंगे तुरंत ऐसे, ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर निकाल लिए। अब देखिए है समीकरण एक से, ये क्या है एक्स माइनस पांच वाई बराबर माइनस आठ, एक्स बराबर माइनस टू प्लस पाँच वाई माइनस आठ, नहीं दे वाई के मान को दे दही, नहीं वाई के मान नहीं दू दे, वाई के मान नहीं कूदेंगे दू दे रही, तीन दे दो अंतर नहीं पड़ेगा, पाँच तिया पंद्रह, वाई के मान तीन एक्स का मान पाँच गुना तीन माइनस आठ गई, और वाई का मान नहीं रहिए जो आंसर लाया दस वाला हो। अभी ये परीक्षा हम चेक करेंगे, अभी आंसर जान रहे नहीं जान रहे हैं, जहाँ कटता उसका हल कहलाता है, तो वाई का मान नहीं दस दें, ऐसा ऐसा बताए थे एक्स का मान, तो पाँच वाई तो पाँच गुने दस माइनस आठ, तो हो जाएगा पाँच दस पचे पचास माइनस आठ तो बयालीस, सही बात है। तो मान सारणी में एक्स वाई तो वाई का मान तीन, एक्स का मान सात, वाई का मान तीन एक्स का मान सात, एक ही बात है। अगर तो जीरो देगा तो माइनस में आ जाएगा, तो मान ली वाई मान देगा जीरो दे रहा है, जीरो ले तो जीरो दे फिर कितना है थी? तो पाँच गुना जीरो माइनस आठ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, तो जीरो माइनस आठ तो माइनस आठ, ये भी सही है, कौन दिक्कत है। अब वाई देखे दस जो आंसर लाए हैं, तो वाई का मान दस, एक्स का मान बयालीस, यहाँ किल बन है, तो एक्स का वाई का मान जीरो माइनस आठ। अब समीकरण दो, दो से दो क्या है, दो है एक्स माइनस थ्री वाई बराबर बारह, तो एक्स बराबर बारह प्लस थ्री वाई, थ्री वाई एक्स बराबर बारह प्लस थ्री, तो वाई का मान जीरो, एक्स का मान बारह प्लस तीन गुना जीरो, तो बारह प्लस जीरो बराबर बारह, अच्छा, और वाई का मान दस, एक्स का मान बारह प्लस तीन गुना दस, तीस, बारह प्लस तीस बयालीस, सही है। एक्स वाई, वाई दस, वाई जीरो, एक्स बारह, वाई दस, एक्स बयालीस, बोले के लिए कितना टाइम हुआ,
नंबर ये है। अच्छा तो तुरंत हो जाता है, इसमें दस दस मानेंगे। हमारा नियम है कि हम पूरे न कर देंगे, मात यह नियम रहता है ना। वो तो डिस्टर्ब हो गए, क्लास खुलेगा नहीं खुलेगा तब क्या करें, नहीं खुले नहीं बढ़ाना पड़ेगा। चलो देखो ठीक है, देखिए 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 ठीक है। हाँ देखो ठीक है, आप देखो यहाँ आने का देते हैं। नहीं नहीं देखता तो हमें हम पढ़े रहने भाई। देखो जी ऐसे रे ऐसे ऐसे एक देखें, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, सुनिए यहाँ माने दस, एक से हटेगा नहीं हटेगा, एक से हटेगा बयालीस तक जाना है, बयालीस यहाँ दस जिसके बीस सिखाए थे, दस बीस तीस चालीस पचास, एक में हटेगा नहीं हटेगा, दस बीस तीस चालीस पचास माइनस दस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब बोलो इसमें दस छोटा घर है, ये जो दस माने हैं कि दस छोटा घर बराबर दस इकाई, तो एक छोटा घर बराबर दस बटा दस एक इकाई, दस छोटा घर दस इकाई एक छोटा घर एक इकाई। और यहाँ देखिए इसमें दस घर रहता है, इसमें दस घर यहाँ दस घर सब दस घर, जैसे देखिए एक्स का मान माइनस आठ, माइनस आठ देखी है यहाँ तो माइनस आठ इस है इधर, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यहाँ होते हैं, माइनस आठ हाँ एक्स का माइनस आठ वाई का मान जीरो वाई दस यहाँ होते। देखिए यहाँ यहाँ ध्यान दें हैं माइनस दस यहाँ आठ घर में, देखिए आठ घर कि एक दस छोटा घर दस इकाई, एक छोटा घर एक इकाई, एक इकाई में एक घर है, एक इकाई में एक घर तो आठ इकाई में आठ घर, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आठ जीरो, एक्स का मान बयालीस वाई का मान दस बयालीस तो चालीस इकतालीस बयालीस दो घर, जब दस घर आता है तो दो घर हो जाएगा ये इसके सामने बयालीस, दस के बाद अगला पेपर में दस चालीस के बाद दो घर और दस के सामने से दस के सामने
तो 42:10 ऐसे मिला दे। इसका नाम हो जाएगा समीकरण का x माइनस 5y बराबर -8। x का मान 12, y का मान 0, 12 देखिए 12, 10 के बाद एक घर दो घर, ए 10 के बाद एक घर और दो घर, x का मान 12, y का मान 0 x अक्ष पर। तो जब पूछा तो देखो 12 0, 10 के बाद दो घर, अब 42 10, यहाँ देखिए यहाँ यही आई थी x का मान 42, 40 के बाद यहाँ 40 100, 40 के बाद एक घर दो घर इसके सामने, यहाँ देखिए 10 के बाद दो घर एक दो ऐसे मिला रहे कि करियो समय साथ दहो, इतना पढ़े त्योर गतियों याद करवा पागल रसवान पूरा पढ़वाइए, तो रसवान मन से पढ़वाइए, अभी मौका हमारा मिल जाए तो ढाह दिए, अब मौके नहीं वैसे दोनों सरकार तो की करभी, अगर मौका हमको मिल जाएगा अभी तो एक टाइम मैथ एक टाइम फीस पढ़ाएंगे पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन मौके नहीं मिलना हमारा की करियो, विद्यार्थी कितना घटा विद्यार्थी जानते। तो यहाँ पर हाँ ये हो तुरा ये तो इसका समीकरण हुआ, ये जो है तुमको इसका समीकरण हुआ, ये x माइनस 5y = 8 आ इसका समीकरण तुमको हो जाएगा, यहाँ ले देते हैं इसका समीकरण हो जाएगा तुमको x - 3y = 12। अब तब देखिए हल हो गया तुमको 42 यानी x 42 यानी तो पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष 42 वर्ष, पुत्र का वर्तमान उम्र वाई वर्ष यानी 10 वर्ष ऐसी बने हैं। आज सब नहीं थे, आज सब किताब से बने हैं, सब किताब से बने हैं, आ कल पूछ लेना जो पूछना, तब चल जाएंगे लेसन एक रियल नंबर का स्टार्ट कर देंगे रियल नंबर, ठीक है। अब 42 सही है, तो जब कल जो पूछना पूछ लेना जिसको उन्हें पूछना, आप जब पूछ जब टाइम बचते चलिए लेसन नया लेसन में रियल नंबर लेसन फर्स्ट, और तब बहुपद में आएंगे, अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, छोड़ देते हैं। गुड नाइट, शुरुआती कल सेवा करेंगे आपको, दो दिन ट्यूशन गए थे वहाँ सोजा उजा दिए सब कुछ सफाई तफाई कर दिए, ठीक, और जब खोला तब आपको बोलेंगे, है ना, ठीक। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट।